साथ मौजूद हैं एक फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं अजीम हनीफ साहब, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि पीटीआई की हुकूमत पे एक फॉर्म फंडिंग केस की तलवार मुस्तकिल लटक रही है और पीटीआई को भी लगता है कि ये केस उनके लिए कुछ थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सकता है। तो हम ये पूछते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर से कि भाई क्या वाकई इस तरह के ये केस उनके लिए सीरियस कुछ साबित हो सकता है। आई थिंक कुछ उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। अजीम साहब नहीं है, ड्रॉप हो गए हैं, उनके सितारे गर्दिश में आ गए, वो ड्रॉप हो गए। उनके सितारे, ये टेलीफोनिक सितारे कुछ गर्दिश में थे, चले आ गए, दोबारा कनेक्ट हो गए। जी अजीम साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी अजीम साहब, मुझे ये बताइए कि एक फॉरेन फंडिंग केस की तलवार पीटीआई पे लटक रही है और पीटीआई भी खुद समझती है कि ये केस उनके लिए काफ़ी मुश्किल पैदा कर सकता है, तो सितारों के हवाले से क्या वाकई ये केस बहुत ज़्यादा सीरियस मोड़ ले सकता है या नहीं? हाँ, प्रॉब्लम्स तो इनको आएंगी, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन यहाँ पे मैं जो बात देख रहा हूँ कि ये वाला वीक जो कमिंग वीक है ईद से पहले, ये बड़ा इम्पोर्टेंट वीक है इनके लिए और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैसअप होंगी इनके लिए और साथ साथ जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है उनके लिए भी ये वाला हफ्ता बहुत ज़्यादा टफ है और इसमें परेशानियाँ इनके लिए होंगी गवर्नमेंट बनाने में और ये बाकी सारी चीज़ें करने में और सारी चीज़ें मैसअप दोनों पार्टीज़ के लिए रहेंगी और पीटीआई को भी टफ टाइम का सामना करना पड़ेगा। अच्छा सही, और आपको क्या लगता है कि कब तक ये तमाम चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? ये जो एक प्रॉब्लम चल रही है पीटीआई के ऊपर, ये कब तक सही हो सकती है? अच्छा, मैंने पहले भी ये बात दो तीन दफ़ा मेंशन कर चुका हूँ कि अभी जैसे ही आपका मई का मिड से बात स्टार्ट होगा ना, ऑलमोस्ट जून का मई का लास्ट वीक और जून का फर्स्ट वीक, वहाँ जाके चीज़ें थोड़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पे चली जाएंगी और ये ठीक होते होते ये उसी सूरत में ठीक होंगे जब इलेक्शंस अनाउंस होंगे और इलेक्शंस का, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि अक्टूबर नवंबर इलेक्शंस का के मंथ्स है, वहाँ जाके इलेक्शंस डिसाइड होने और अनाउंस होने तक ये चीज़ें इस तरह ही खराब रहेंगी। सही, तमाम एस्ट्रोलॉजिस्ट यही कहते हैं, चाहे टैरो कार्ड हो चाहे न्यूमरोलॉजी हो, सब लोग यही कहते हैं कि मई जून तक हालात मज़ीद ख़राब होंगे और उसके बाद फिर जाके इलेक्शन होंगे, फिर जाके देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, IMF की शराइत मानने के बाद महंगाई मज़ीद उरूज पे जाएगी, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं, आखिरकार आवाम को रिलीफ कब मिलेगा या ये साल भी महंगाई की ही नज़र हो जाएगा? अच्छा, ये यही बात है ना कि एस्ट्रोलॉजी महंगाई को देखती तो है लेकिन किसी और तरीके से देखती है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये रही कि अगला एक साल कम से कम और दो साल जब तक सैटर्न अपने घर से मूव नहीं करता, जुपिटर के साथ आगे कंजेक्ट नहीं होता, तब तक महंगाई इस तरह ही रहेगी। और यहाँ पे नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये चीज़ें इफेक्ट करेंगी, जैसे 2020 से गुजर के कोरोना से आप आए आगे और वो सारी चीज़ें नहीं है। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं रहेगी, पूरी दुनिया का मसला रहेगी, यानी वर्ल्ड वाइड ये मसला रहेगा हमारे साथ। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीम साहब, मच आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमें आगाह किया कि सितारों के हालात क्या कहते हैं और महंगाई एक वाकई बहुत बड़ा मसला है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है, लेकिन अब हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला कुछ बेहतरी कर दे, कि अल्लाह की तरफ से ही कोई करम हो सकता है तो महंगाई कुछ कम हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।